आज की कहानी है डुग्गू हिरन और चतुर खरगोश। सुंदर वन के जंगलों में सभी जानवर हंसी खुशी शांति पूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश जिसका नाम चुन्नू था और वहीं डुग्गू हिरन, दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। डुग्गू हिरन अक्सर आते जाते चुन्नू खरगोश का हालचाल पूछते रहता था। एक समय की बात है कि डुग्गू हिरन ने चुन्नू खरगोश से पूछा कि चुन्नू भाई, इस बार गर्मी बहुत पड़ गई है, मुझे हरी हरी घास के लिए बहुत दूर दूर जंगलों में जाना पड़ता है। तो वही चुन्नू खरगोश भी बोलता है, हाँ भाई हाँ, इस बार गर्मी बहुत बढ़ गई है, ये तुम सही बोल रहे हो, मेरे को भी लाल लाल गाजर के लिए यहाँ वहाँ बहुत घूमना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मैं अपना पेट भर पाता हूँ। चुन्नू खरगोश हिरन से बोलता है कि यदि तुम्हें कहीं भाई लाल लाल गाजर का कहीं फसल दिखे तो तुम मुझे जरूर बताना, और मैं तुम्हें हरी हरी घास जहाँ दिखेगी वहाँ तुम्हें बताऊंगा, और तुम वहाँ जाके अपना पेट भर लेना। अब डुग्गू हिरन वहाँ से चल देता है। रोज हिरन वहीं से गुजरता और चुन्नू खरगोश से हाल चाल पूछता हुआ निकल जाता। एक दिन चुन्नू खरगोश और हिरन आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूर एक खूनी भेड़िया पेड़ के पीछे से छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वहीं उस भेड़िए की नज़र उस हिरन पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया कि अगर यह हिरन का मांस मुझे मिल जाए तो मेरा एक हफ्ते का खाने का इंतजाम आसानी से हो जाएगा। चूंकि वह खूनी भेड़िया दूसरे जंगल से आया था तो वहां के जंगली जानवरों को कुछ पता नहीं था। उस भेड़िए ने सोचा कि यदि मैं इस हिरन को मार के अभी खाऊंगा तो सारे जंगली जानवरों को मेरे आने का पता चल जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं मारूंगा। एक समय की बात है कि डुग्गू हिरन वहीं चुन्नू खरगोश से पास से गुजर रहा था। अब वहाँ चुन्नू खरगोश तो उसे दिखा नहीं। अब हिरन सोचने लगा, अरे ये आखिर में चुन्नू भाई कहाँ चले गए हैं, आज वो दिख नहीं रहे हैं। तभी उसी समय वो खूनी भेड़िया हिरन के पास आके बोलता है कि डुग्गू भाई, आपको चुन्नू खरगोश ने जंगल के उस पार एक खेत में बुलाया है, वहाँ आपके लिए उसने हरी हरी घास का एक खेत खोजा है, आप मेरे साथ चलो और भर पेट वहाँ घास खा लो। अब वो हिरन उस भेड़िए की बात पर विश्वास करके उसके साथ चल देता है। अब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो भेड़िया बोलता है कि वो देखो भाई, वो हरी हरी घास है, तुम जाओ भर पेट भोजन करो और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब वह हिरन जाता है और खूब मजे से घास खाने लगता है। तभी वो डुग्गू हिरन वहाँ खेत में फंसे जाल में फंस जाता है और वहीं वो जमीन पर गिर जाता है जाल के साथ, और भेड़िया वहाँ से सब देखते रहता है। थोड़ी ही देर बाद चुन्नू खरगोश आता है। चुन्नू खरगोश देखता, अरे डुग्गू भाई तुम यहाँ कैसे फंस गए। तो डुग्गू हिरन पूरी बात चुन्नू खरगोश को बताता है। तो खरगोश बोलता है कि देखो भाई, मेरे दांत इतने मजबूत नहीं है कि मैं जाल काट सकूं, हाँ एक तरकीब जरूर है कि यदि वह किसान आएगा तो तुम सांस बंद करके सो जाना, और वह किसान तुमको मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा तुम तुरंत दौड़ के भाग जाना, तुम दौड़ने में तो माहिर हो भाई। अब डुग्गू हिरन उस चुन्नू खरगोश की बात मान लेता है और जैसे वह किसान आता है वो अपनी सांस बंद करके वह हिरन सो जाता है। किसान वहां से आता है, बोलता अरे ये हिरन फंसा है पर ये तो मरा हुआ है, इसका मैं क्या करूंगा, ठीक है जाल हटा देता हूँ, कोई ना कोई जंगली जानवर इसे खा लेगा। अब जैसे ही वह किसान वो जाल हटाता है वो डुग्गू हिरन कूद कर दौड़ कर भागने लगता है। अब वह किसान के हाथ में भाला रहता है, उसने बोला अरे अरे ये तो मुझे धोखा दिया, ये मरा नहीं था। वो किसान जल्दी से उस हिरन पर भाला फेंक के मारता है। अब डुग्गू हिरन तो वहां से निकल जाता है और वह भाला सीधे जाकर वो पेड़ के पीछे खूनी भेड़ियों को लग जाता है और खूनी भेड़िया वहीं मर जाता है। और जंगल में जाकर डुग्गू हिरन चुन्नू खरगोश को बहुत बहुत अपनी जान बचाने का धन्यवाद देता है और कहता है कि मित्र, यदि तुम आज नहीं होते तो मैं अपनी जान नहीं बचा पाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपका साथ दे। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।